हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको क्लास 8 का लेसन 6 हाउ मोगली ज्वाइन द पैक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा, तो चलिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मोगली के बारे में सबको ही जानते होंगे। फर्स्ट लाइन है, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ मोगली द लिटिल बॉय हु वॉज ब्रॉट अप बाय वॉल्व्स। आप मोगली को जानते होंगे जो वॉल्व्स के द्वारा लाए गए थे। Do you know how he came to be a part of the wolf pack? क्या आपको पता है ये wolves के pack? Wolf pack का मतलब होता है भेड़ियों का झुंड। तो कैसे ये भेड़ियों के झुंड में शामिल हो गया मोगली? तो आइए इसको देखते हैं। Read and find out. A couple of wolf, couple यानि pair, मतलब husband wife, जैसे एक wolf की family यहाँ पर आप समझ लीजिए। A couple of wolves live with their four cubs, उस wolf के बच्चे, इन अ केव इन अ स्विनी हिल्स। जो वॉल्व की फैमिली थी वो स्विनी हिल्स में एक केव एक गुफा में रहती थी। एक शाम फादर वॉल्व उठे, यौन मतलब अंगड़ाई लेके उठना, स्क्रैच करना अपने पॉज को, पंजों को। फिर उन्होंने मदर वॉल्व से कहा कि ये टाइम हो चुका है अब वो शिकार का। मदर वॉल्व उन्हें गुड लक कहती है उस शिकार करने जाने के लिए। उसी समय वहाँ पर तबाकी पहुँचता है जो उनसे कुछ बोलता है। तबाकी फिर फादर और मदर वॉल्फ को अपसेट कर देता है। वो उन्हें बताता है कि जो शेर खान था, जो टाइगर है, जो वेन गंगा रिवर के पास रहता था, उसने अपना हंटिंग एरिया शिफ्ट किया है, हंटिंग ग्राउंड शिफ्ट किया है। मतलब पहले कहीं और वो हंट करता था, शिकार करता था, और अब वो उसने शिफ्ट कर दिया है। फादर वॉल्फ इससे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं जो लॉ ऑफ जंगल है, जंगल का जो नियम है, उसमें उसके अनुसार से शेर खान को ये अधिकार नहीं है कि बगैर वार्निंग दिए वो अपना ग्राउंड चेंज करे। बिकॉज ही विल फ्राइटन एवरी हेड ऑफ द गेम विद इन 10 miles, क्योंकि वो 10 मील के अंदर जितने भी शिकार रहते हैं वो सबको डरा देता है। एंड आई हैव टू किल फॉर 2 these days, और आज मुझे 2 शिकार चाहिए। और अगर उसने चेंज किया है, मेरे एरिए में आया, तो वो क्या करता है, शिकार को भगा देता है क्योंकि दहाड़ता है वो। मदर वॉल्फ कहती है शेर खान हैज़ बीन लेम इन 1 foot फ्रॉम बर्थ। शेर खान जो है वो बचपन से 1 foot से लंगड़ा है। वो एक पैर से लंगड़े होने के कारण केवल कैटल्स का शिकार करता है। कैटल यानि वो जानवर जो दूध देते हैं, जैसे गाय भैंस, जो ज़्यादा तेज नहीं दौड़ पाते। द विलेजर्स ऑफ द वेन गंगा बेल्ट आर वेरी एंग्री विथ हिम। जो विलेजर्स हैं वेल गंगा बेल्ट के, जहाँ वो रहता है, वो उनसे काफ़ी दुखी थे। दे विल स्कोर द जंगल फॉर हिम। उसके लिए उन्होंने क्या किया, जंगल को आग लगा दी थी। वेन ही वॉज फार अवे एंड वी विल हैव टू रन टू सेफ्टी वेन द ग्रास इज सेट अलाइट। और हमको वहाँ से भागना पड़ा था क्योंकि क्या हो गई थी, आग लग गई थी। तबाकी वेंट अवे टू ज्वाइन शेर खान इन द हंट। फादर वॉल्फ हर्ड द ड्राई एंग्री स्नर्ली एंड सिंग सॉन्ग वाइन ऑफ अ फ्रस्ट्रेटेड टाइगर एंड सैड द फूल। फिर तब बाकी चला जाता है, शेर खान को ज्वाइन करता है हंट के लिए। फादर वॉल्फ जो रहता है वो सुनता है शेर खान की आवाज़ और काफ़ी गुस्सा होता है, और उसे बोलता है मूर्ख द फूल टू बिगन द नाइट्स वर्क विद दैट नॉइस। क्योंकि रात का काम इतने शोर मचा के चालू करना, क्या उसको लगता है कि यहाँ के जो शिकार हैं वो वेन गंगा बुलक्स की तरह हैं, वो वहाँ की भैंसों की तरह हैं जो तेज नहीं दौड़ पाते हैं। हश, इट्स नाइदर बुलक नॉर बक, ही हंट्स टू नाइट बट मैन, सेड मदर वॉल्फ। उसने बोला आज शेर खान, मदर वॉल्फ बोलती है कि आज शेर खान केवल इंसान का शिकार करने वाला है, उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला। एज शी हर्ड शेर खान सेवेज हॉल, क्योंकि वो उसकी गंदी आवाज़ जो सुन रही थी, उसकी दहाड़, क्योंकि दहाड़, शेर खान जब भी शिकार करता था तो दहाड़ता था। अब दहाड़ने से क्या होता है, दूसरे एनिमल डर जाते हैं और उस एरिए से भाग जाते हैं। यही प्रॉब्लम वॉल्फ्स को थी, जिस कारण से वो शेर खान से काफ़ी गुस्सा थे। मदर वॉल्फ कहती हैं कि जो जंगल का लॉ है वो फॉरबेड करता है, यानी मनाही करता है किसी भी बीस्ट को, बीस्ट मतलब जो जानवर एनिमल्स को खाते हैं, कि वो मैन किलिंग करें, क्योंकि मैन जो हंटिंग है उससे जो बीस्ट है वो मैंगी बनता है और टूथलेस, मैंगी यानी जर्जर हो जाती है उसकी हालत और दांत भी चले जाते हैं। और शेर खान उसी समय बहुत तेज़ी से चिल्लाता है बहुत बुरी तरह से, क्योंकि उसका जो पैर है वो वुड कटर रहता है वहाँ पर, एक उसने एक आग लगाई हुई है और उसका पैर उस आग में पड़ गया है। तब बाकी उसके साथ में
सून द बुशेस रस्टल रिटल, उसके बाद बुशेस यानी झाड़ियाँ कुछ हिलती हैं और फादर वॉल्फ अपने सामने एक नेक्ड, नेक्ड यानी नंगे जिसने कुछ भी नहीं पहना है, छोटे से बच्चे को देखता है जो चल भी नहीं सकता। वो फादर वॉल्फ की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। मदर वॉल्फ पूछती है, क्या ये इंसानी बच्चा है? क्योंकि आज तक मदर वॉल्फ ने इंसानी बच्चा नहीं देखा है। वो फादर वॉल्फ से कहती है कि उस बच्चे को वो उसके पास ले आए। फादर वॉल्फ उस बच्चे को फोर कप्स के साथ, अपने उनके चार बच्चे जो रहते हैं फादर वॉल्फ के, उनके साथ उसको ले आता है। फादर और मदर वॉल्फ दोनों बहुत खुश होते हैं उसको देखकर, और वो बगैर डरे उन बच्चों के साथ खेलता है, खाना खाता है, शेयर करता है। एट दैट वेरी मोमेंट शेर खान एंटर द केव विद तबाकी, उसी समय उनकी केव में, उनके केव में, गुफा में शेर खान पहुँच जाता है तबाकी के साथ और उस लिटिल बॉय को मांगता है कि ये बॉय मुझे दे दो। वॉल्फ, फादर वॉल्फ बोलते हैं कि वॉल्फ फ्री पीपल होते हैं, वो फ्री रहते हैं, वो किसी का ऑर्डर नहीं मानते, वो केवल अपने पैक जो उनके हेड होते हैं उनकी कम्युनिटी के, वॉल्फ कम्युनिटी के, उन्हीं का ऑर्डर मानते हैं, और किसी भी स्ट्रिप्ट कैटल किलर के, जो कैटल को मारता है, मतलब शेर खान के लिए कहता है कि उसका ऑर्डर वो नहीं मानते। और मैन कब, ये जो इंसानी बच्चा है ये हमारा है, अब इस पर हमारा अधिकार है कि हम इसे मारें कि हम इसे रखें। शेर खान बार बार उस बेबी को लेने के लिए बोलता है। इस पर मदर वॉल्फ उससे काफ़ी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ये कब मेरा है, तुम्हारा नहीं, और इसे मारा नहीं जाना चाहिए, ये हमारे साथ दौड़ेगा, हमारे साथ शिकार करेगा और हमारे साथ रहेगा। लुक यू हंटर लिटिल नेक्ड कब्स, ही शैल हंट यू, और एक दिन ये तुम्हें हंट करेगा, ये तुम्हारा शिकार करेगा, और अब तुम यहाँ से चले जाओ लेम फुटेड, ये बोल के उसे वो भगा देती है शेर खान को। शेर खान ये समझ जाता है कि मदर वॉल्फ काफ़ी गुस्सा है, और ये कहते हुए वहाँ से वो चला जाता है कि एवरी डॉग बार्क्स इन हिज ओन यार्ड, हर कुत्ता अपनी गली में भौंकता है, इसका पैक काउंसिल सही डिसीजन करेगी, ये कब मेरा है और ये मैं इसे चखूंगा। लॉ ऑफ जंगल ये क्लियरली लेट करता है कि वॉल्फ अकेले रह सकते हैं अपने शादी के बाद, लेकिन उनको अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है पैक काउंसिल में, पैक काउंसिल में ला के उनको अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, और इंट्रोडक्शन के बाद कब फ्री है जहाँ वो जाना चाहे, जब तक कि वो एक शिकार नहीं करता, उसको एक शिकार करना पड़ता है ये बताने के लिए कि वो वॉल्फ फैमिली का हिस्सा है, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसकी पनिशमेंट डेथ होती है। इसलिए फादर वॉल्फ जो रहते हैं वो अपने अदर कब्स के साथ मोगली को पैक काउंसिल की मीटिंग में ले जाते हैं। मीटिंग जो होती है वो हिल के टॉप में होती है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अकेला, अकेला के चेयरमैनशिप में, जो कि एक लोन वॉल्फ है। वो मोगली को सेंटर में पुश कर देते हैं, मोगली हंसता हुआ वो पत्थरों के साथ खेलता है। बालू जो कि एक बियर है, एक भालू है, वो लॉ ऑफ जंगल बताता है सब कप्स को, और बगीरा जो कि पैंथर है वो मोगली को, मोगली से बात करता है और पैक काउंसिल से चाहता है कि मोगली को वो परमिट कर दें कि वो उसकी फैमिली में रहे और उसको हंट करने दे साथ में, मतलब शिकार करने दे। बगीरा जो ये प्रपोज़ल है इसका मतलब ये वो मान जाता है, केवल किस लिए, मोगली लाइफ फॉर द प्राइस ऑफ न्यूली किल्ड बुल, मतलब उसको नई नई बुल एक मारी गई है उसके प्राइस पर वो चाहता है कि मोगली को उस पैक काउंसिल में रखा जाए, क्योंकि एक शिकार करना पड़ता है और वो बुल एक शिकार है। हर कोई व्यक्ति मीन्स हर कोई जानवर इस प्रपोजल का स्वीकार करता है, और शेर खान आज भी चिल्लाता है रातों में क्योंकि वो गुस्सा है, क्योंकि मोगली उसे नहीं दिया गया, वो ये सोचता है कि मोगली उसका था जबकि मोगली उसको नहीं मिला। सो स्टूडेंट, ये थी मोगली की स्टोरी, वैसे तो आप सब जानते होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, इसको और रीड करिएगा, कहीं समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे।